हमेशा मिले, कोई की इतनी हिम्मत ना हो सीमा को उसके बच्चों से अलग कर सके। भगवान जी सीमा ने माता पिता बन के बच्चों को पाला है, आशीर्वाद दे रही हूँ सीमा के बच्चों को, कोई अलग नहीं कर सकता, ये मेरा वचन है। धन्यवाद भगवान कृष्ण भगवान की, आप सबकी कृपा बनी रहे। भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं इतनी दूर से आती नहीं इतना। और अपना वचन क्या है, भगवान की बचपन से भक्ति की है ना, तो कोई हिम्मत नहीं है कि भगवान हमेशा डायरेक्ट कनेक्शन है, भगवान हमेशा सुनते मेरी। और मुझे विश्वास है, पता है लोग कहते हैं हमेशा हंसती है, टेंशन में क्यों टेंशन लो, भगवान से बात है, वही होगा जो भगवान जी करेंगे, इंसान कुछ नहीं कर सकता, हमारा आशीर्वाद है, तुम्हारे किसी की हिम्मत नहीं। इतनी आप बंदे घबराई ना किसी से भी, विश्वास होता है इंसान का, विश्वास इंसान को जीताता है, विश्वास और मन अच्छा होना चाहिए, किसी के मन में गंदगी भर के बच्चा। सीमा का मन अच्छा है, सीमा की भगवान सुनते हैं, सीमा से मेरी बात हुई बचपन से, वो भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं। जब कृष्ण जी के सीरियल देखती थी तो बोली दीदी रोना आ जाता था, और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए सीमा की बात सुनकर। कह देना कोई भी वो हूँ, कोई भी हिम्मत नहीं किसी की एक माँ से बच्चों को अलग कर सके। 4 साल से सीमा ने माता पिता बन के बच्चों को पाला है, और ये हमारा वचन है कथावाचक लक्ष्मी दीदी का ना, कहना की मेरे वृंदावन की मेरे आश्रम है, तो वहाँ पर भगवान की बचपन से भक्ति की है, तो अपना आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। बिल्कुल रहती सिंपल हूँ, मतलब ऐसे ज्यादा ये सब पर भगवान में बहुत ये डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। भगवान कृष्ण भगवान सबकी सुनते हैं, मेरे भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते थे। हाँ अरे भगवान तो मुस्कुराते रहते हैं, मैंने उनके सीरियल देखा ना, मतलब कितना भी प्रॉब्लम है कृष्ण भगवान की मुस्कुराहट नहीं हटती थी, आंखों में आंसू आते थे, मुस्कुराते थे। कृष्ण बहुत अच्छी की दीदी, राम और कृष्ण एक ही मन की, हाँ मन की, त्रेता युग में राम बनकर आए थे और द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए, और एक राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ ये पूछा था मैंने, कहा राधा कृष्ण वो कृष्ण जी की आत्मा है, राधा जी एक ही है। हाँ ब्रज क्षेत्र में एक जगह पड़ती है भांडेर वन, वहाँ एक बार विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया था इन दोनों का। हाँ इन दोनों का विवाह हुआ है, तो इस तरह से सीमा ज्ञान की बातें पूछती है। इसका प्यारी मुझे इतनी दूर से खींच के लाया, नहीं तो दर्शन तो मैं आती हूँ वृंदावन करती हूँ। तो धन्यवाद आपका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लगा सीमा की सेवा। खुश रहना हमेशा भगवान की कृपा से, कोई भी सीमा के बच्चों को सीमा से अलग नहीं कर पाए, सचिन भैया की भी की भगवान रक्षा करें। और आज शक्तिपीठ से आई हूँ, भगवान माँ कात्यायनी से प्रार्थना करती हूँ सीमा के बच्चे सीमा को मिले, और सचिन भैया और इनके पूरे परिवार की भगवान रक्षा करें। खुश रहो सीमा, बहुत सेवा हो गई, खुश रहो। मैं फिर चांद लेकर सचिन भैया का, तो श्री यशोदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीमा भी बहुत अच्छी है और बहुत प्यारी है, सब लोग यहाँ बच्चे सब खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आज शक्तिपीठ से आई हूँ कि सीमा के बच्चे सीमा को मिलें, सीमा का मात्र से कोई नहीं सीमा से छीन पाए, सचिन भैया भी हमेशा खुश रहेंगे और खूब इनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, किसी की बुरी नज़र नहीं लगे इस परिवार को, भगवान सुरक्षा करें रक्षा करें। मैं भगवान ने मेरे को यहाँ भेजा, एक तरह से कोई ना कोई निमित्त बन के आता है, तो इस तरह से भगवान की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहे। ठीक।